मेष राशि टिल नई योजना आपके सामने आ सकती है। महत्वपूर्ण मामलों पर आपको कोई योजना बनानी पड़ सकती है। किसी और की बात आपको किसी और तक पहुंचाने का काम भी दिया जा सकता है। आपके लिए दिन ठीक ठीक ही रहेगा। सोचे हुए कुछ काम भी पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, आपको मौजूदा काम की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जीवन साथी से भी सलाह करना ठीक नहीं है। अनबन भी हो सकती है। पैसों के लेन देन या उससे जुड़ी किसी भी तरह की बात जीवन साथी के साथ करने से बचें। पैसों को लेकर जो भी योजना है वह आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आएगी। नौकरी धंधे से जुड़े ऑफर्स मिले तो उन पर तत्काल कोई फैसला ना करें। कोई भी काम बिना सोचे समझे और किस्मत के भरोसे पर ना करें। आपको परिवार के बहुत से मामले निपटाने पड़ेंगे। क्या करें, बिना सुपारी का पान किसी कन्या को खिलाएं? लव दिमाग के बजाय दिल से व्यवहार करेंगे। पार्टनर से सहयोग और खुशी मिलेगी। दिन भी अच्छा रहेगा। करियर कार्य क्षेत्र में आपके कामों की तारीफ हो सकती है। स्टूडेंट सफल रहेंगे। आपका मनोबल भी बढ़ेगा। कानूनी पढ़ाई वालों को सफलता मिल सकती है। हेल्थ, जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। वृषभ, कामकाजी जीवन के बारे में कई तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। हर तरह की योजना पूरी हो सकती है। उससे आपको फायदा भी हो सकता है। आप जो योजना बना रहे हैं उसमें कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। आप चाहे तो अपने विचारों को ठीक ढंग से पेश करके स्थितियों को बदल सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा। स्थिरता, सुरक्षा और सहजता महसूस होगी। कामकाज को ज्यादा समय देना होगा। वृष राशि वाले लोग अपने खान पान और सेहत पर ध्यान दें। बातचीत में सहजता रहेगी। कोई खास काम जैसा आपने सोचा था वो पूरा भी हो जाएगा। नेगेटिव, जिम्मेदारी के काम ध्यान से और सावधानी से करने की कोशिश करें। आपके कुछ कामों में कमी भी हो सकती है। असफलता का भी डर बना रहेगा। सिर्फ व्यावहारिक योजनाएं ही ना बनाएं। कमजोर सेहत के कारण भी आप अनमने हो सकते हैं। जो समस्या आपको परेशान कर रही है उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें। आप अपने संबंधों के बारे में फालतू ही टेंशन ले सकते हैं। क्या करें, छतिया घर के बाहर किसी बर्तन में पानी भर कर रखें। लव, पुराने विचार आपकी लव लाइफ पर हावी हो सकते हैं। प्रेमी आपकी भावनाओं का सम्मान कर सकता है। कभी खुद पर और कभी पार्टनर पर भी गुस्सा हो सकते हैं। करियर, सोच समझ कर निवेश करें। जोखिम भरे फैसले लेने के लिए समय ठीक नहीं है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। हेल्थ, मानसिक अशांति और तनाव रहेगा। हाथ पैर में दर्द हो सकता है। मिथुन, पॉजिटिव, आपका मूड सकारात्मक रहेगा। कामकाज के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी आपका मन लगेगा। जरूरी कामों और बचने वाले समय के बारे में अच्छी तरह विचार करके आगे बढ़ेंगे और बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। जितने काम आपको आज निपटाने हैं उन सब के लिए समय निकाल लेंगे और कामकाज को मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। रोमांस के लिए भी आपको समय मिल सकता है। दूसरों की मदद करने के मौके मिलेंगे। अधिकारियों के साथ अच्छी बातचीत होगी। नेगेटिव, नौकरी में मेहनत ज्यादा रहेगी। दोस्तों और प्रेमी के साथ कुछ अनबन हो सकती है। कोई बड़ा फैसला लेने में भी परेशान रहेंगे। आज आप ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं। आसपास और साथ के कुछ लोगों से भी आप परेशान रहेंगे। किस्मत के भरोसे ना बैठे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रखने के लिए गुस्से पर कंट्रोल करें। क्या करें, सूर्यदेव को नमस्कार करें। लव लाइफ से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कोई विवाद हो तो सुलझाने के लिए सबसे अच्छा समय है। आपको सबका साथ मिलेगा। करियर कार्य क्षेत्र में मेहनत ज्यादा रहेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। स्टूडेंट्स थोड़े टेंशन में रहेंगे। दोस्तों से भी सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखें। थकान, मौसमी परेशानी और पीठ में भी दर्द रहेगा।
करते कुछ नए और अच्छे मौके मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में सकारात्मक सोच के साथ किसी नई प्लानिंग पर काम शुरू हो सकता है। बड़ी योजनाएं बनाएं। चंद्रमा गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में रहेगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आने वाले दिनों में बड़ा फायदा हो सकता है। कोई ऐसा सुखद बदलाव भी होगा जिसे आप काफी समय तक याद रखेंगे। किसी स्थिति, दस्तावेज या लेन देन के खाते को गहराई से समझना होगा। खुद के लिए समय निकालें। आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन का कुछ समय भाइयों या पड़ोसियों के साथ बीतेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। नेगेटिव पुरानी बातों पर सोचना बंद करें। पुरानी चिंता के साथ आने वाले दिनों की भी टेंशन रहेगी। हालांकि आपके मन में रहकर पुरानी बातें ही चलेंगी। किसी से बेवजह न उलझे। बिजनेस में कोई रिस्क ना ले। कार्य क्षेत्र में भी भस हो सकती है। थकान के कारण आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। क्या करें, धनिया और हरी सब्जी खाएं। लव प्रेमी का व्यवहार आपकी समझ से परे रहेगा। आप प्रेम करेंगे, धैर्य रखेंगे तो प्रेमी पर भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। करियर, बिजनेस और ऑफिस में सावधानी रखनी होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगने से भी आप परेशान रहेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति भी बन सकती है। कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ, जोड़ों के दर्द और मौसमी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। सिंह पॉजिटिव गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी धन लाभ का संकेत दे रही है। हर तरह से फायदा हो सकता है। धन लाभ के पूरे योग हैं। आपकी महत्वाकांक्षा और जोश चरम पर रहेगा। चतुराई और समझदारी से आप सफल हो सकते हैं। आप सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान दें। गंभीर बातचीत में भी आप सफल हो सकते हैं। धैर्य और सोच समझकर अपनी बात किसी के सामने रखें। अपनी वाणी से कोई खास काम भी आज आप पूरा करवा सकते हैं। दिन बहुत आसानी से बीतेगा। कोई चिंता ना रखें। प्रसन्न रहेंगे। अपनी वाणी से आप दुश्मनों पर जीत भी हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव, आपको थोड़ी घबराहट, चिंता या बेचैनी हो सकती है। एकाग्रता में बार बार कमी महसूस हो सकती है। किसी से भी बिना बात भस, अनबन या गलत फहमी हो सकती है। किसी भी मामले में बेवजह और ज्यादा बात नहीं करें। इस राशि के लोग खर्चे पर कंट्रोल रखें। क्या करें, दिन भर में टू इलायची या लौंग खाएं। लवावारापन से बचने की कोशिश करें। आप जैसा सोचेंगे वैसा करने की कोशिश भी करेंगे और वैसे ही नतीजे आपको मिलेंगे। करियर, रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। धन लाभ होगा, सेविंग भी होगी। कोई उपलब्धि भी मिल सकती है। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। हेल्थ, पेट के रोग हो सकते हैं। खाने पीने में सावधान रहे। कन्या पॉजिटिव, ऑफिस के किसी खास काम के लिए फल करेंगे। आपके सामने परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको कोई फल करनी पड़ेगी। दिन आपके फेवर में हो सकता है। कोई पुराना सपना भी पूरा होने के योग है। परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे। आमदनी बढ़ने के योग है। दिनचर्या में बहुत विविधता रहेगी। आपने जो काम हाथ में लिया है उस पर बारीकी से विचार करें। दोस्त मददगार रहेंगे। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी समय बीतेगा। आपको अचानक छोटा मोटा फायदा हो सकता है। शब्दों और विचारों के क्षेत्र में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ सकती है। नेगेटिव, खर्चा भी बढ़ सकता है। खुद पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ना चाहते हुए भी कोई राज की बात लोगों को बता सकते हैं। आप किसी टेंशन में रहेंगे। पैसों की स्थिति को लेकर भी तनाव हो सकता है। क्या करें, काली मिर्च दान दे। लव, कोई संबंध शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। अचानक मुलाकात भी हो सकती है। लव प्रपोजल देने के लिए समय अच्छा है। करियर, नौकरी में पदोन्नति और स्थान बदलने के मौके मिल सकते हैं। नए दोस्त बनेंगे। मेडिकल और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समय सामान्य रहेगा। हेल्थ, सेहत के मामले में समय थोड़ा सही रहेगा। तुला पॉजिटिव, आपकी कोशिश जल्दी से जल्दी काम निपटाने की होगी। चंद्रमा गोचर कुंडली के 12वें भाव में होगा तो अचानक यात्राएं हो सकती हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार ही काम करेंगे। सिर्फ खास काम निपटाने पर ही आपका ध्यान रहेगा।
निवेश या पैसा बढ़ाने के कई तरीके आपके दिमाग में चलते रहेंगे। बिजनेस की प्लानिंग हो सकती है। दूसरों के साथ सहयोग और समझौते करने के लिए तैयार रहे। हर बात और हर स्थिति को तुरंत समझ भी जाएंगे। किसी से काफी महत्वपूर्ण बातचीत भी हो सकती है। खुद पर भरोसा करें। नेगेटिव कामों में देरी हो सकती है। आपको एक कदम आगे बढ़ाने पर उल्टा नुकसान हो सकता है। आपके कुछ मामले टल भी सकते हैं और कुछ मामलों में आप फंस सकते हैं। करियर से लेकर शिक्षा और निवेश तक के मामलों पर फैसला लेने के लिए समय ठीक नहीं है। जल्दी गुस्सा ना करें। खर्च बढ़ने के भी योग है। विवादों से भी दूर रहने की कोशिश करें। क्या करें? किशमिश का पानी पिए। लव आपके और पार्टनर के बीच दूरी बढ़ सकती है। संवेदनाओं को समझें और भस में ना पड़े। करियर काम काज ज्यादा रहेगा। बिजनेस वालों का पैसा रुक सकता है। पढ़ाई में मन लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स को किसी ना किसी बात का टेंशन भी हो सकता है। हेल्थ इस राशि के लोग खाने पीने के मामले में सावधानी रखें। मिर्च कम खाएं तो बीमारियों से बच जाएंगे। वृश्चिक पॉजिटिव। आज आप भावुक रहेंगे। भावनात्मक तौर पर आप में ऊर्जा रहेगी। किस्मत का साथ मिलेगा। आपके लिए गए फैसले सही हो सकते हैं। बहुत सी परेशानियों और समस्याओं के समाधान भी आज आपको मिल सकते हैं। अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाने का भी मन बना सकते हैं। जो काम करने की सोचेंगे वह पूरा कर ही लेंगे। किए गए हर काम का फायदा आपको मिल सकता है। नई संभावनाओं पर ध्यान देने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स को प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है। नेगेटिव। महिलाओं की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ऑफिस में किसी से भस हो सकती है। किसी से अनबन होने की भी संभावना है। जहां तक हो सके ऐसे कामों से दूर ही रहें। काम में मन कम ही लगेगा। कुछ काम निपटाने के लिए आपको सामान्य से ज्यादा समय भी लग सकता है। आप कुछ काम गलत तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे। अपने विचार और मन में चल रही बातें किसी को बताने में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपके साथ वाला ही कोई आपको चुनौती दे सकता है। क्या करें? खोपरे का तेल नाभि पर लगाएं। लव लाइफ में लिए गए पुराने फैसलों पर एक बार फिर से गौर करना होगा। संबंधों को लेकर कोई स्थायी फैसला ना लें। यह जो कुछ हो रहा है वह थोड़े ही समय की बात है। करियर अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है। विवादों से बचें। आपके पैसे भी खो सकते हैं। सावधान रहे। कैंपस में झगड़ा या विवाद होने की भी संभावना है। कुछ लोगों की पढ़ाई भी अच्छी होगी। हेल्थ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। कोई ना कोई दिक्कत भी रहेगी। धनु पॉजिटिव। कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में पैसों के किसी मामले को लेकर आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए अच्छा है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी ज्यादातर कोशिशों में सफल भी रहेंगे। नौकरी या करियर में बदलाव के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इससे आपकी इमेज और बढ़ सकती है। कुछ अलग और हटकर काम करने का मन हो सकता है। दोस्तों के साथ समय बीत सकता है। अनजाने में ही किसी दोस्त की मदद कर सकते हैं। नेगेटिव। ज्यादातर समय अकेले ही बीत सकता है। कुछ दोस्त या संबंध आपके कामकाज में रुकावट बन सकते हैं। दोस्त के साथ विवाद हो सकता है। कुछ संबंधों पर आपको शुरू से विचार करना होगा। नजदीकी संबंधों में किसी तरह की अनबन आपको टेंशन दे सकती है। मन की बात करने में आप संकोची हो सकते हैं। किसी तरह आपका खर्चा बढ़ सकता है। सावधान रहे। साझेदारी में होने वाले किसी काम का ज्यादा टेंशन आप पर हो सकता है। क्या करें? फर्नीचर रिपेयर करवाएं, नहीं तो घर या ऑफिस का टूटा फूटा सामान फेंक दें। लव संबंधों के बारे में कोई स्थायी फैसला करने के प्ले घराई से खुद पर भी विचार कर ले। पार्टनर से आपको सरप्राइज मिल सकता है। पार्टनर का मिजाज भी अच्छा रहेगा। करियर नौकरी में पदोन्नति के मौके तो हैं, लेकिन दुश्मनों से भी सावधान रहना होगा। अपमानजनक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ वालों की मदद भी मिल सकती है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। हेल्थ आपकी सेहत अच्छी रहेगी। थकान मिटेगी। पुराने रोगों में आराम हो सकता है।
मकर पॉजिटिव, कोई नया काम मिल सकता है, उससे बड़ा फायदा भी होगा। नौकरी बिजनेस के टारगेट पूरे करने के लिए आपको आज ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिस खबर का आपको काफी समय से इंतजार था, वह मिल सकती है। प्रमोशन या नौकरी के मामले में भी परेशानियों से राहत मिलेगी। कोई बड़ा मौका मिल सकता है, जिससे आपको धन लाभ भी हो सकता है। आज आप सोच समझ कर ही आगे बढ़े, पैसा बचाने की कोशिश करें, घर या वाहन भी खरीद सकते हैं। कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मिल सकता है। परिवार या आपसे कोई नया सदस्य भी जुड़ सकता है। ऑफिस में आपको सहयोग मिलेगा, लोगों का ध्यान आपकी तरफ ज्यादा होगा। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। नेगेटिव, परिवार का माहौल आपका मूड खराब कर सकता है। थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। तैश में आकर बात करना और फैसला लेना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी की देखा देखी ना करें और ना ही किसी की खुशामद। कोई भी काम धस में पड़े बिना करें, लेकिन हो सकता है कोई आपकी मदद ना करे। कामकाज भी ज्यादा रहेगा, क्या करें? विष्णु मंदिर में दीपक लगाएं। लव जीवन साथी और पार्टनर से संबंध अच्छे होंगे। किसी भी बात पर आसानी से रजामंदी हो सकती है। सुख मिलेगा, दिल की बात बोलने का दिन है। करियर रोजगार मिल सकता है, आपके लिए दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय भी अनुकूल है। सफलता मिल सकती है। हेल्थ, हाथ पैर में दर्द हो सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कुंभ पॉजिटिव, यात्रा का योग बन सकता है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी एकाग्रता के दम पर आप सफल हो सकते हैं। आपको कुछ अच्छे मौके मिलने के योग बन रहे हैं। सही स्थिति और अपने लिए सही ऑप्शन को समझने की पूरी कोशिश करें। धैर्य रखना होगा, कठिनाई वाली स्थिति से निपटने में आपका पॉजिटिव नजरिया ही कारगर रहेगा। नेगेटिव, सावधान रहे, समस्या हो सकती है। किसी काम के लिए ज्यादा उतावलापन ना दिखाएं, बीती बातों को मुद्दा ना बनाएं और जहां तक हो सके विवादों से बचें। ऑफिस या किसी और जगह पैसों से जुड़ा नुकसान भी हो सकता है। मन की बात या कोई योजना आप किसी से शेयर ना करें। कोई पर्सनल बात सबके सामने आ सकती है। कोई नया काम शुरू ना करें। किसी भी बड़े काम के लिए समय ठीक नहीं है। थोड़ा रुके और विचार करके काम करें। दोस्त, प्रेमी या जीवन साथी की सेहत कमजोर हो सकती है, क्या करें? चौराहे पर पूरी लाल मिर्च फेंकाएं। लव पार्टनर का व्यवहार अजीब है, तो इसकी वजह भी आप समझ सकेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। करियर समस्याओं और विवादों को दूर करने की कोशिश भी असफल हो सकती है। नए कारोबार की शुरुआत ना करें। प्रतियोगिताओं का नतीजा भी आपके फेवर में हो सकता है। दोस्तों की मदद भी आपको सही समय पर मिल जाएगी। हेल्थ, अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें। मीन पॉजिटिव, काम काज और नौकरी के मामले में कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके सामने आ सकती है। किसी लक्ष्य को लेकर आप बेहद उत्सुक हो सकते हैं। धैर्य, लगन और सही तरीके से हर परिस्थिति का सामना कर लेंगे। अपनी सफलता पर आपको गर्व भी होगा। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं सुलझने लगेंगी। जितनी जरूरत है उतने संसाधन भी आपके पास रहेंगे। हर तरह की व्यवस्था आपके लिए हो सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। आप अपने मौलिक विचारों और तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे। ज्यादातर समस्याओं का समाधान भी नए तरीके से निकल सकता है। नेगेटिव, अपने निजी नियम और सिद्धांतों को मुद्दा बनाकर किसी बात पर न अड़े। धस में जितना उलझेंगे उतने ही घरे फंस सकते हैं। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। पैसों की स्थिति को लेकर फालतू टेंशन हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि पैसों से संबंधित कोई भी फैसला खुद ही करें। क्या करें? गुनगुने पानी से गरारे करें। लव, सचमुच किसी से प्रेम करते हैं, इसलिए पार्टनर से सहयोग और प्यार भी मिलेगा। पार्टनर का मिजाज भी अच्छा रहेगा। करियर, आर्थिक मामलों में सुधार होने के भी योग बन रहे हैं। अधिकारियों और निचले वर्ग के लोगों से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। पढ़ाई से जुड़ी कुछ खास बातें आपको पता चल सकती हैं। हेल्थ, मानसिक तनाव हो सकता है, पेट के रोग होने के भी योग बन रहे हैं।
Thank you.